दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा MA MSc MCOM यानी PG में नामांकन की जो तिथि है वो जारी हो चुकी है, तो यूनिवर्सिटी की ओर से ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया है। तो आइए इस वीडियो में आपको सभी जानकारियाँ देते हैं और चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों PG से संबंधित सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और इस चैनल पर। देखिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा PG में नामांकन हेतु दिनांक 4/2/2022 को अपराह्न 1 बजे के बाद इस नोटिस को पब्लिश किया गया। दोस्तों इस नोटिस में पहले नंबर तो बताया गया है, यहाँ पे कुल 9 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट इन पेपर, यानी आप लोग का PG में एडमिशन के लिए आपके न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट 8 फरवरी को आपको देखने को मिल जाएगा। वही बात करें तो यहाँ पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो 9 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक लिया जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको विदाउट फाइन के साथ यानी 750 रुपये के साथ आप लोग 9 फरवरी से लेके और 20 फरवरी तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा फाइन लगेगा, यानी 850 रुपये फाइन के साथ आप लोग 21 फरवरी से लेकर और 23 फरवरी तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन देने के बाद सब्जेक्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा जो कि 26 फरवरी को जारी किया जाएगा। इसके बाद उसमें जो भी स्टूडेंट का किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो गया है, गलती हो गया है, तो उसको सुधार करने के लिए आप लोग 27 फरवरी से लेकर और 28 फरवरी के बीच में आपको समय मिलेगा। आप लोग DSW ऑफिशियल पर जाकर आपको ये जो भी समस्याएं हैं उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड मैं अपने वेबसाइट पे सभी जानकारियां हिंदी में स्टेप बाय स्टेप आपको वहां पे बता दिया है। आप लोग जाए और उस पोस्ट को पढ़े, आपको सारी समझ में आ जाएगा। दोस्तों छठा नंबर देखिए, पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट। तो आप लोग का फर्स्ट सिलेक्शन जो लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा 3 मार्च 2022 को। और जब आप लोग का फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जारी हो जाएगा तो आप लोग का कॉलेज डिपार्टमेंट यानी कॉलेज में एडमिशन जो स्टार्ट है वो 4 मार्च से लेकर 12 मार्च तक आप लोग का एडमिशन चलेगा। और इसके साथ ही आप लोग का जो कॉलेज है, कॉलेज भी आप लोग का 14 मार्च 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सेकेंड लिस्ट और थर्ड सिलेक्शन लिस्ट कब तक जारी किया जाएगा, तो ये 14 मार्च के बाद ही जारी किया जाएगा। इसमें जो भी चेंजेस आएगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और अधिक जानकारी के लिए आपको गूगल पे चलना है, सर्च कीजिएगा खपड़ी सपाटा पर, ऑनलाइन पे चले आइएगा, यहाँ पे PG से संबंधित सभी जानकारियाँ दिए गए हैं। तो आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। आप लोग का जो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट है वो 9 फरवरी से है। इसके साथ यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई हेतु लिंक भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ऑनलाइन अप्लीकेशन हेतु ऑनलाइन लिंक दिया गया है, सारा चीज़ जानकारी दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है कि 8 फरवरी को जारी किया जाएगा विज्ञापन, यानी सारा उसी का यहाँ पे हिंदी में आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारियाँ दी गई है। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो आपको टाइम टेबल दिया गया है कि विदाउट फाइन के साथ कितना लगेगा और फाइन के साथ कितना लगेगा, लेटेस्ट फाइन के साथ क्या लगेगा, और यहाँ पे सारी जानकारियाँ दी गई है। और इसके बाद ऑफिशियल नोटिस भी चिपकाया गया है यानी दे दिया गया है। और आप लोग को आवेदन करते समय कैसे आवेदन करना है ये भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। और डॉक्यूमेंट क्या सब लगेगा, 10th 12th का मार्कशीट लगेगा, इसके बाद ग्रेजुएशन का फाइनल मार्कशीट लगेगा, ग्रेजुएशन का एडमिट कार्ड, और इसके बाद आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, ईमेल आईडी जो कि एक्टिव होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, इनकम सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो। इसके बाद दोस्तों चलिए, हमने आपको बताया था कुल जो कॉलेज है उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी, तो यहाँ पे टोटल 10 कॉलेज हो चुके हैं। तो चलिए मैं सारे कॉलेज का नाम ले लेता हूँ। LNMU कैंपस दरभंगा, CM कॉलेज दरभंगा, CM साइंस कॉलेज दरभंगा, MR महिला कॉलेज दरभंगा, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर, RB कॉलेज दलसिंहसराय समस्तीपुर, GD कॉलेज बेगूसराय, RK कॉलेज मधुबनी, BRB कॉलेज समस्तीपुर और MLSM कॉलेज दरभंगा। तो ये कुल 10 कॉलेज हैं PG में जो आप लोग के नामांकन लेंगे। चलिए वहीं पर बात करते हैं सीट की, तो सीट भी सीट में भी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 12,576 सीट पे इस बार नामांकन होगा। मैथ की बात करें तो 612 सीट, फिजिक्स की बात करें तो 504 सीट, केमिस्ट्री 648, बोटनी 504, जूलॉजी 576, कॉमर्स 1200 सीट यहाँ पे भी बढ़ गया है, 120 सीट, होम साइंस 120, सोशियोलॉजी 240, ज्योग्राफी 360, हिस्ट्री 1200, और इसके बाद साइकोलॉजी 840, म्यूजिक एंड ड्रामेटिक्स दोनों में एक 120 है, और AIH में 360, संस्कृत में 360, और इसके बाद फिलोसफी में भी 360 सीट हैं, उर्दू में बात करें 480 सीट, इंग्लिश में बात करें तो 840 सीट, पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 960 सीट, और हिंदी की बात करें तो 840 सीट, इकोनॉमिक्स 960 सीट, और
मैथिली 360 सीट। तो ये कुल यहाँ पे जानकारी दी गई है। आप लोग इस पोस्ट को पढ़िए। इस पोस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप लोग विजिट कीजिए, पढ़िए, इस पे सभी जानकारियाँ दी गई है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग का जो ऑनलाइन अप्लाई है वो 9 फरवरी से स्टार्ट होगा। जो भी इच्छुक छात्र हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।